राम राम कैलाश भाई। राम राम। अच्छा आपका सब बढ़िया है घर पर? सब बढ़िया छे, बस अभी कपास लगा दिया है काम, हम धामा की तैयारी कर रहा। अच्छा कैलाश भाई आपने कपास लगा ही दियो? हाँ लगा ही दिया, मना भाई छे की कपास तो लगा ही दियो, पर काम जो धामा पड़ेगा तो ये थेली में धामा की जो जहाँ गोल खाली से वहाँ लगाऊंगा। अच्छा अब काकड़ा लगाऊ तो काम का इसे कि अपने सक्षम नहीं होता है, थेली में पानी पड़ेगी उतार देंगे तो पौधा एक जैसा हो जाएगा। अच्छा भैया आप ये बताओ कि अपना धामा लगाना के लिए ना थैली ना भरे ना तो एक काम सामग्री का ही क्या लगी? ये काम का इसे कि चार भाग मिट्टी, एक भाग खाद और एक भाग ये रेत, तो इनमें ये इनका सब मिश्रण कर दिया, पर इन प्रकार मिश्रण करो और फिर मैंने थैली में भरी दी। चलो हाँ लगा ली बताओ तुमको। फिर मैंने वहाँ कैसे काकड़ा लगा ने पानी छोड़ी, चलो तुमको वहाँ ले जाए बताता हूँ। हमने कैसे तीन ही प्रकार की चीज मिली ना, ऐसी कैरी बनी प्रकार हमने थैली में भर दी। मैंने क्या करी मिट्टी रेत और खाद भरी ना, मैं प्रकार थैली भरी दी पढ़ाई के बीज लगे ना। हाँ तीन चार रोज बाद फिर इन प्रकार से निकले आवाज, फिर इनका बाद बड़ा लगाऊ। फिर हमने कहा तीन चार रोज पहले लगाया था ये ऐसा इस प्रकार निकला है। अच्छा कैलाश भाई आपने इस प्रकार से थैली से भर दी और एक काकड़ा लगा दिया तो एक फायदा का ही छे? फायदा एक से हमको ये चाहिए कि जो धामो से वहाँ लगे दिया ना तो बार बार दूसरा धामा नहीं लगाना पड़े, जो जैसे हम काकड़ा लगावा तो काम का इसे कि धामा पड़े। हाँ हाँ। तो हमें का दूसरा रोज हम कह थैली भर जाए काम काकड़ो तैयार कराए धामा के लिए। हाँ। जो धामो का इसी जहाँ पड़ेगा वहाँ धामो लगाए तो एक सम्मान गोड़ रहेगा पड़ेगा, ये हमारा फायदा कहीं कर हम पहले थैली भरी ना कपड़ा तो को तैयार कर लेवा। तो जी का इसी है कि हमको ये लाभ मिले कि जैसा अपना धामा लगावा तो काम का इसी है कि अपने जानवर का भी चाहिए उसको बड़ो नहीं होता, जो थैली को चाहिए तो कैसे लगावा तो ये बराबर हो जाए क्षमता की, ये फायदा है कीड़े भी नहीं खाए। अच्छा कैलाश भाई आप कह अन्य किसान भाई ने कई संदेश देना चाहोगे? अच्छा कैलाश भाई आपने थैली ने भरी ना मतलब कपास को रोपो एक प्रकार से तैयार करे तो आप अन्य किसान कई संदेश देना चाहोगे? किसान भाई ने कह हम ये कहूँ कि हाँ जो बतायो कि यदि सी लगाओ तो सब भाई को फायदा है, बस हाँ ये कहूँ। जैसे मैंने अभी बोनी जैसे कपास लगायो तेरा साल मन थैली ने भरी धामा कर लिए तो राम का इसे कि आई को अपना कपास को न धामा जो थैली में भरी ये गोड़ अपन लगाना तो एक समता रहेगा बराबर रहेगा, बाद में धामा लगाना की जरूरत नहीं पड़े। सब किसान भाई ना ये कहो कि धामा का लिए थैली में भर लो, जहाँ धामा पड़ो की जगह धामा की थैली लगे ना। राम राम। अच्छा कैलाश भाई आपने कह रहा बहुत अच्छी जानकारी दी एक प्रकार से कपास को रोपने तैयार करने का बारामा। अच्छा भैया राम राम। ठीक हूँ चलो राम राम।